भाई साहब वो जो देख रहे हैं वो रोड है, और जो अब देख रहे हैं ये गांव वाले रिपोर्टर हैं, और जो है देख रहे हैं ये नाला है। लेकिन अब अपने मन में सवाल पैदा कीजिए, इस नाला में पानी कैसे जाएगा? हमको लग रहा है मुख्यमंत्री जी के शहर में विकास तो खूब हो रहा है, लेकिन एक और अवार्ड दे देना चाहिए मुख्यमंत्री के शहर के अधिकारियों को। क्या गजब का काम करते हैं गुरु, उनका काम देखेंगे तो आप भी कहेंगे वाह। लेकिन इस वाह के चक्कर में इन तमाम नगरवासियों का आह निकल जा रहा है। आह क्यों निकल जा रहा है भैया, अब आपको हम समझाते हैं। भाई जो देख रहे हैं किला, ये लग रहा है मुगले आजम के ज़माने का, इतना मजबूती दिख रहा है। किला नहीं है, यह है नाला। अब हमारी हाइट देख लीजिए, लगभग 5 फीट 7 इंच इसके बराबर है। रोड की हाइट देख लीजिए, और अब यह सोचिए कि जब पानी आएगा, बरसात होगा, क्योंकि जब रामगढ़ ताल जो एरिया है ये बरसात के मौसम में लबालब रहता है, पानी जो है मोहल्ले में भरा रहता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं भगत चौराहे के आसपास जो है अपना घर छोड़ के गाँव चले जाते हैं। तो इस तरीके से नाले का निर्माण जब हो जाएगा तो रोड साइड ये तमाम साइड में बड़ी बड़ी दुकानें हैं, एजेंसियाँ हैं, इनका क्या हाल होगा? इनके व्यापार पे एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। अब सवाल ये है कि आखिर मुख्यमंत्री के शहर में उनके चहेते अधिकारी इस तरीके से मनमानी क्यों कर रहे हैं? अभी मनमानी कोई पहली बार भी नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे, तो सुन लीजिए। पहले असुरन में नाला बनाया गया, उसको तोड़ा गया, फिर उसको बनाया गया, यानी एक नाले के प्रोग्राम में जो बजट लगता है 2 बार पैसा लग गया। मैंने जहाँ 1 रुपया खर्च करना है वहाँ 2 रुपया खर्च हो गया, और खर्च का पैसा न सरकार का है और न किसी और का है, वो आम जनता के पैसे का, टैक्स का है। दूसरी बड़ी बात, अभी गोरखपुर में जो है तमाम दुकानें बन रही थी नौका विहार के पास में, पहले इंटरलॉकिंग तोड़ा गया, पहले डिवाइडर तोड़ा गया, वहाँ दुकानें बनाया गया, उसके बाद फिर वो दुकानें हटा के वहाँ से पार्क में शिफ्ट कर दिया गया। तो एक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए 4-4 बार पैसा खर्च करना क्या जरूरी है? क्या मुख्यमंत्री का शहर है तो यहाँ के अधिकारी इसी तरीके का मनमानी करेंगे? और बड़ा सबसे सवाल ये है कि अगर गोरखपुर के हार्ट की बात किया जाए तो इन दिनों सबसे चर्चा में रहता है गोरखपुर का नौका विहार रामगढ़ ताल, और ये रामगढ़ ताल के सटे का एरिया है देवरिया बाईपास। तमाम बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बड़ी बड़ी हवेलियां हैं, बड़े बड़े घर हैं। अगर यह नाले की हाइट यह रहेगी तो इस मोहल्ले वालों का हाल क्या होगा, और पानी की स्थिति पे कितना रुका होगा? अब क्या जब पानी का लेवल इतना हो जाएगा तब ना इस नाले में जाएगा? पानी तो कोई आदमी है नहीं, मछली है नहीं कि पौंड के चला जाएगा। तो आखिर अधिकारी इस तरीके का मनमानी क्यों कर रहे हैं? वैसे एक और बात जानकारी मुझे मिली है कि पूर्व के दिनों में जब मुख्यमंत्री जी आए थे तो अधिकारियों को फटकारे भी थे, फटकारे थे कि आखिर ये नाला क्या है, आखिर इतना हाइट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं मोहल्ले वालों को दिक्कत आएगी, और हाइट कम करने का भी आदेश दिए थे, और अधिकारी टुकुर टुकुर सुनते रहे और उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन सवाल यह भी है, क्या ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं होगी? यह नाला लोक निर्माण विभाग बना रहा है और कार्यदायी संस्था जो है छात्र शक्ति है। अब फिर हो सकता है इसको तोड़ा जाएगा और फिर उसी संस्था को काम दे दिया जाएगा। मैंने जो है एक पथ दो काज तो हम सुने थे कहानी, लेकिन जो है दो काम और एक पथ है, मैंने 2 बार पैसा खर्च होगा और काम होगा एक ठो। अब सवाल यह है गुरु कि क्या अधिकारी ऐसे ही मनमानी करते रहेंगे? आम जनता के पैसे का जो टैक्स का पैसा है उसी तरीके से जब दिल करे तोड़ दो, जब दिल करे बना दो, आखिर यह क्या साबित करना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं? थोड़ा करीब से आप देखिए और समझिए कि क्या पानी, मुझे लगता है पूरा गोरखपुर डूब भी जाएगा तो भी इतना पानी जो है इस हाइट पे नहीं होगी। तो जब गोरखपुर पहले डूबवाएंगे तब नाले में पानी पहुँचाएंगे है। और मुझे लगता है भैया कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में जो है एक अवार्ड दे देना चाहिए। हाँ, कहेंगे हमको तो ये लगता है कि गोरखपुर महोत्सव हो रहा है इसी में अवार्ड दे देना चाहिए था। ये हमारे साथ संदीप भाई भी मिल गए हैं, संदीप भाई से थोड़ा बात कर लेते हैं आज हम लोग। संदीप भाई थे ज्यादा, संदीप भाई क्या हाल चाल है, पहले बताइए। बढ़िया है। ये क्या है गुरुदेव? ये जो है गोरखपुर के अधिकारियों का कारगुजारी है, और सरकारी टैक्स का जो है
नाले में पानी बहेगा कि नहीं बहेगा, लेकिन लाखों करोड़ों अधिकारियों ने पहले ही बहावा दिया है। नाले में पानी बही कि ना बही, लेकिन पैसा जरूर बह गया सरकार बह गया आम आदमी का, आम आदमी का टैक्स बह गया। और मुख्यमंत्री जब अधिकारियों से पूछ रहे थे तो अधिकारी जवाब देने में भी संतुष्ट नहीं, अधिकारियों के जवाब से मुख्यमंत्री संतुष्ट भी नहीं हुए और अधिकारी जवाब देने की स्थिति में थे ही नहीं। अब मुझे लगता है ऐसे अधिकारियों के ऊपर तो कार्रवाई करना चाहिए। यही तो बात है, कार्रवाई नहीं हो रहा है तभी तो इस तरह से कार्रवाई हो रहा है। अगर कार्रवाई होता तो ऐसी कार्रवाई अधिकारी नहीं करते। कार्रवाई होता तो ऐसी कार्रवाई काम लगता है। और सही बात है, मुख्यमंत्री के शहर में चहेते अधिकारी, और ये नया नहीं है, इसके पहले गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पे भी ये काम हो चुका है। अच्छा, ये तीसरी जगह है, नाला बना है। हाँ, मैंने एक बार काम हुआ है, दो बार पैसा खर्च हुआ है। होता है, लंबे समय से होता आ रहा है, आदत पड़ गई। कार्यदायी संस्था भी वही है। अच्छा, बदलती भी नहीं है। एक बड़ा खेल समझिए, कार्यदायी संस्था जो है, ये कार्यदायी संस्था पे ऐसे भ्रष्टाचार बहुत बार लग चुके हैं, लेकिन कार्यदायी संस्था भी जो है अपने पूरे राजनीतिक रसूख वाली है। सेटअप बढ़िया है, सेटिंग बढ़िया है। कुल मिला के ये सोचिए कि जो लड़का स्कूल में बढ़िया पढ़ने में होता है, कुछ गलती कर देता है तो मास्टर साहब उसको पनिशमेंट देते हैं, चलो बे तुम बैठे रहो दो तीन। लेकिन उसी लड़के को बोला, अरे बेटा तुमने बहुत बढ़िया गलती किया, और फिर से बनाओ। मैंने हमको लग रहा है कि जो है शासन और लोक निर्माण विभाग भी जो है जान वो उसको मजा आ रहा है गलती करने में, जो है लोक निर्माण विभाग को उसकी गलतियों पे, उस कार्यदायी संस्था की गलतियों पे मजा आ रहा है। अब सवाल बस यही रहेगा, क्या यह नाला अगर बन जाएगा तो इस क्षेत्र का विकास, इस क्षेत्र का जो कमर्शियल वे है, ये रोड साइड दुकानें हैं, देवरिया बाईपास रोड है, तमाम लोग जो है दुकानों पर जाते हैं, वो किस तरीके से जाएंगे अगर हाइट की अगर बात करें तो। और इसी बात पर मैं अपनी पूरी सवाल ख़त्म करता हूँ, और जवाब रहेगा क्या मुख्यमंत्री के शहर में मुख्यमंत्री के चहेते अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगा, या इसी तरह फिर वो तोड़वाते रहेंगे, बनवाते रहेंगे और हमारे और आपके पैसे का बंटाधार कराते रहेंगे। ये जो नाला बन रहा है जी, क्या ये सही बन रहा है? नहीं, सही नहीं बन रहा है। इसकी हाइट पर क्या कहेंगे? हाइट बहुत ज्यादा है, और फिर ये इसमें सबसे बड़ी समस्या है कि जो हम लोगों की सर्विस ले रहे हैं, ये 9 मीटर की हम लोग की रजिस्ट्री में है। अच्छा, और उसमें 7.5 मीटर, 7.5 मीटर बजाय 2.5 मीटर उसी में अतिक्रमण हो रहा है, नाले में ही। हाँ, सर्विस लेन का अतिक्रमण हो रहा है। एक और बात बताइए हमको, ये जी नाले के हाइट दिख रही है जी, यह नाला अगर इतना बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं और पानी लग जाएगा। बिल्कुल लगे, बिल्कुल लगे, अगर कहीं भी से भी लीक होगा, कुछ होगा, तो पूरे कॉलोनी पानी आ जाएगा, पूरे कॉलोनी पानी भर। सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा जो साइड के दुकानदार जी, बहुत प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा, लोग आएंगे नहीं। बिल्कुल बहुत प्रभाव पड़ेगा ना। हाँ, एकदम प्रभाव पड़ेगा। अभी दुकानें एकदम अभी लोग बंद हो जाएंगी, बंद हो जाएगी, कहीं ना कहीं एक रोजगार का भी बड़ा हाँ समस्या है, दिक्कत आ जाएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री जी भी आए थे शायद, अधिकारी को फटकार लगाए थे? हाँ, बोले थे इसको हाइट कम करने लिए कहे थे, हाइट कम करने, हाइट कम कहे थे। तो क्या ये नींद में रहते हैं क्या अधिकारी गोरखपुर के, लोक निर्माण विभाग के? आप लोग जब ये निर्माण हो रहा था तब आप लोग सवाल नहीं किए? नहीं, बोला गया था कि कम करेंगे, कम हो जाएगा। नहीं, कहीं ना कहीं इसको हाइट करके फिर तोड़ना, फिर ये तो आम आदमी के पैसे की बर्बादी है ना, टैक्स की बर्बादी है। बिल्कुल है, फिर बनाओ, फिर तोड़ो, फिर बनाओ, तो नुकसान ज्यादा खर्च होता है। बिल्कुल नुकसान के, कहीं ना कहीं अधिकारियों की मनमानी है। मनमानी है, मनमानी।